मेरा नाम जैन अनिल बड़ाला है और मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ और मेरा फर्नीचर का बिजनेस है। रेजिन के पहले मैं वीडियो देखता था, लेकिन वो सारे वीडियो फॉरेनर्स के थे, तो उसमें कहाँ से क्या मिलेगा कोई लिंक नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन मैंने एमटी रेजिन आर्ट का वीडियो देखा जो जयपुर में है, और मैंने उनसे फ़ोन पर भी बात की तो लिंक मिला। फिर मैं जयपुर आया और यहाँ आके मैं धर्मेंद्र जी से मिला और मैंने इनके शोरूम में इनके प्रोडक्ट्स देखे, तो मुझे लगा कि हाँ, ये कुछ नया आइटम है और मैं भी मुंबई में इस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग चालू कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 दिन में ट्रेनिंग ली और मैं यहाँ काफ़ी कुछ सीखा हूँ। तो मुझे इन सब का पूरा मतलब सहयोग मिला और काफ़ी सपोर्टिव है, चाहे स्टाफ हो, धर्मेंद्र जी खुद हो, और यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला, सब कुछ कोऑपरेटिव थे। जैसे ट्रेनिंग स्टार्ट हुई उस दिन नया था, फिर धीरे धीरे हम फैमिलियर होते गए और ऐसा लगा नहीं कि मैं किसी दूसरी जगह हूँ। मुझे लगा कि बस मैं अपने ही लोगों के बीच में हूँ और काम सीख रहा हूँ, और मेरा काम अच्छा हुआ और मैंने 2 टॉप भी बनाए जो आप देख सकते हैं। एक ये है, ये MDF पे किया गया है, और दूसरा ये जो है, दूसरा ये है, ये दोनों मैंने अपने हाथों से बनाए हैं सब कुछ, ये मैंने काम सीखा है। ये अभी जो हमारे मुंबई वगैरह में है जो पार्टिकल बोर्ड के सेंटर टेबल्स बनते हैं, टीवी बस बनते हैं, तो उनके टॉप हम लोग अगर ये लगाएंगे तो कुछ अलग यूनिक दिखेगा और मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी। इसके बाद जो डाइनिंग टेबल्स वगैरह हैं उनके टॉप हो गए और ऑफिस टेबल्स के टॉप हो गए, तो जिसको मतलब कुछ यूनिक आइटम चाहिए उसके लिए ये अच्छी चीज़ है और हमारे लिए भी एक अच्छा मार्केट होगा। जो भी यहाँ ट्रेनिंग लेना चाहता है वो बेझिझक यहाँ पर आके ट्रेनिंग लेवे, और यहाँ इसमें सिर्फ फर्नीचर के रिलेटेड ही नहीं, और भी बहुत कुछ सामान आप बना सकते हैं, क्रॉकरी वगैरह से बना सकते हैं, दूसरे ऑर्नामेंट्स वगैरह बना सकते हैं, बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। ये मतलब एक तरह से पूरा बहुत बड़ा मार्केट है, इसमें आप अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। तो जिसको भी अगर इसमें इंटरेस्ट है तो यहाँ बेझिझक आके ट्रेनिंग लेवे। वैसे ऑनलाइन भी है, लेकिन ऑनलाइन आपको इतना समझ में नहीं आएगा, आप ऑफलाइन इनके सामने अगर प्रैक्टिकली आके करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है ये।